आप ऐसे क्यों देख रही है मेरी बेटी को? इसका चेहरा बता रहा है कि इसके जीवन में बहुत अंधेरा है, बहुत तकलीफ है और कोई बहुत बड़ी मुसीबत इसका पीछा करते हुए इसकी तरफ आ रही है। कोई है जो इसके पीछे पड़ा है, जिसकी आंखें हर वक्त इसको ढूंढती रहती हैं, और वो किसी कीमत पर भी इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है गुरुमा, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, आपके पास जरूर कोई उपाय है। तो सुन, अगले 7 दिन तेरी बेटी के लिए बहुत भारी हैं। अगर उन 7 दिनों में उसने इसे देख लिया या इसने उसे देख लिया तो बहुत बुरा होगा। लेकिन वो इसके रूप के पीछे पागल है और इसे बचाने का भी यही तरीका है कि इसके रूप को छुपा दिया जाए। अगर इसके रूप को छुपा दिया तो वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ मैं। इसका रूप ही इसकी सारी मुसीबतों का कारण है। तुम 7 दिनों के लिए इसके रूप को छुपा दो और मैं भी इसकी मुसीबत दूर करने के लिए साधना करूंगी, लेकिन तब तक इसे कोई ना देखे, नहीं तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। इसका मतलब अमोली को सबसे अलग रखना पड़ेगा? नहीं, ये परिवार के साथ रह सकती है, लेकिन इसका चेहरा ढककर रखना पड़ेगा। मैं फिर कह रही हूँ, अगले 7 दिन इसके लिए बहुत भारी है। इन 7 दिनों में ना तो ये अपना चेहरा किसी को दिखाएगी और ना ही किसी का चेहरा देखेगी। मेरा भी नहीं? नहीं, क्योंकि इसके ग्रह और नक्षत्र ये कह रहे हैं कि अगर इसने माँ का चेहरा भी देखा तो कुछ गलत हो सकता है। याद रहे, उस व्यक्ति का साया भी इस पर ना पड़ने पाए, इस बात का ध्यान रखना होगा। विजय, वो आप लंदन गए थे ना, क्या हुआ? दिग्विजय, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। आप लंदन गए थे ना, लंदन में क्या हुआ? रणवीर से मिले? कैसा है हमारा बेटा? उसने आपको पहचाना? हमारे बारे में कुछ पूछा? पूछा तो होगा उसने। कैसा है वो, बताइए ना। आप तो उसे अपने साथ लेकर आने वाले थे, लेकर क्यों नहीं आए दिग्विजय? बोलिए दिग्विजय, बोलिए, बताइए ना, कैसा है वो? आपकी माँ आपसे कुछ पूछ रही है दिग्विजय, बोलिए दिग्विजय, बोलिए। नहीं, हम आपको बिना जवाब दिए हुए नहीं जाने देंगे। और पता है, उस वक्त हम 9 साल के थे, ये तो वहां से भाग गई। माली ने हमें ही पकड़ लिया था, ये सोच करके पेड़ से आम हमने चुराए। चुराए थे? बड़ी शरारती थी। आप लोगों को एक दूसरे से अलग होने में काफी तकलीफ हुई होगी ना? बहुत ज्यादा हुई। उस वक्त शायद हम 10 साल के थे। हाँ, 10 साल के थे। निकिता के पापा की पोस्टिंग दूसरे शहर में हुई, बस उसके बाद हमारी ये चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हो गया। हाँ,
हाँ, इन चिट्ठियों से ही मुझे पता चला कि तुम लड़कियां कब पैदा हुई, तुमने पहला शब्द कौन सा बोला, तुमने पहला कदम कब रखा, ये सारी बातें। एक बात बताए, हमें आप दोनों की दोस्ती देख के जलन हो रही है। और मेरी तो ऐसी कोई दोस्त ही नहीं है जिसके साथ मैं बचपन की यादें शेयर कर सकूं।